searching for your trace in the dark. Good morning from 9,500 feet, and it is around 8 a.m. in the morning, and having kada or ginger lemon honey tea something. ठंड ठीक है अभी रात में. सो दिस वॉज द कैंप. हम 5 जन थे एक कैंप में, तो रात में मेरे को नींद तो अच्छे से आ गई. स्लीपिंग वाला बेड वॉज लाइक बिग इनफ. बाकी ये जैकेट ने काम कर दिया. सो आज हम यहाँ से जाएंगे केदारकंठा के बेस कैंप में, विच विल बी अराउंड 3 किलोमीटर्स का ट्रैक, विच विल एक्सपेक्टली टेक अराउंड 4 आवर्स, क्योंकि जो अगेन यहाँ की डिस्टेंस कम है बट जो चढ़ाई है वो बहुत हार्ड है. मतलब बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं कहेंगे, बट अगर आप रेगुलर फिटनेस मेंटेन रखते हो एंड ट्रैकिंग करते हो तो इतनी भी नहीं पड़ेगी. बट या स्टीप चढ़ाई है. तो अराउंड 9:30 निकलेंगे, देन देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है. बट एकदम चिल हवा चल रही है, हाथ फ्रीज हो रहा है. मेरा कल GoPro बंद हो गया, सो इफ इन केस मैं GoPro से नहीं कर पाता हूँ तो आई ट्राई टू शूट विद माई फोन ओनली, क्योंकि GoPro ठंड में जाते ही बैंड बज जाती है. धुआं नहीं आ रहा, बट या मजा आ रहा है. इट वॉज द लॉन्ग अवेटेड ट्रैक, पूरा 1 साल वेट किया. दो यहाँ पे स्नो नहीं है, बट ऊपर से स्नो मिलेगी. पूरा बोला गया था कि मिलेगी यहाँ पे, बट नहीं मिली. कोई नहीं, क्या कह सकते हैं, नहीं है तो नहीं है. अभी देखते हैं क्या करना है आगे. अभी तो मतलब चाय वाय पी के देन स्टार्ट करेंगे, एंड मिलते हैं आपको थोड़ी देर में. यहाँ से आप व्यू चेकआउट करिए भाई साहब. एंड आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी सी स्नो कवर्ड पीक्स है यहाँ पे, ये रही जैसे कि सी जो ये पीछे की है पूरी कवर्ड है. तो ऐसा नहीं है बट है. आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर में आता मैं, ठीक है, या जनवरी में आता तो पूरा स्नो मिलता है, यहाँ पे भी मिलता. बट ठीक है भाई, बोला था तभी मैंने प्लान किया, अदरवाइज मैं अगले साल प्लान कर सकता था. बट देन ओह मेरे केस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको चढ़ते टाइम मिलेंगे. सो वी आर अगेन बैक एट जूदा, क्या कहते हैं सर, जूड़ा का तालाब. मैं थक गया. आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है, इट इज़ सेमी फ्रोजन नाउ. मतलब पानी मूव नहीं करता हुआ दिखेगा. तो क्या होता है कि सर्दियों में कम्प्लीटली फ्रोज हो जाती है, जितना भी ये पैक है सारा वाइट वाइट रहता है. एंड या खैर इसके पीछे की अगर कहानी बताए तो, जहाँ पे सुना है कि शिव जी मेडिटेशन कर रहे थे एंड उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने जूड़े से एक बाल निकाला एंड इसको बनाया. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज जूड़ा का तालाब. धूप बहुत तेज़ है बट अगेन ट्रैकिंग सही है, मॉडरेट लेवल की है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है. सो चलो आगे चलते हैं. Myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss has burned my skin, I feel so empty inside. हम कितना नीचे थे एंड हार्डली फ्यू मीटर्स कितना ऊपर आ गए. चलेगा चलेगा, रुक अभी बॉडी वार्म अप हो रही है, बैटरी डाउन है, बैटरी चार्ज हो रही
लिटरली वाट लग गई। कल का बोल रहे थे स्टीफ है, आज का तो कुछ और ही है, इसीलिए तो छोटा रखा ये वाला। तो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर स्टॉप जहाँ पे हमने लिया अराउंड 22-20 मिनट, हाँ 20-25 मिनट्स का। एंड नाउ अगेन चढ़ते जाना है, इसकी हालत खराब होने वाली है, अभी घंटी बजने वाली है। जितनी ऊपर आए हैं उतनी ऊपर और जाना। क्या कह रहा है, इससे अच्छा तो ऊपर ही चले जाते। बाय द वे आपको शायद दिखे हल्की हल्की सी, यहाँ पे नहीं दिख रहेगा वैसे, झाड़ियों के पीछे हल्की हल्की सी स्नो है। एंड सुना है कि ऊपर मतलब बेस कैंप की नहीं है भाई, भी स्नो मिल जाएगी, तो एक वही मोटिवेशन है जिसको लेके ऊपर जा रहे हैं। बाकी तो देख लेंगे। वो टॉप उसके ऊपर जाना है एंड लिटरली हर खराब है। दो थोड़ी थोड़ी सी बर्फ तो दिख रही है मतलब पैचेस में। ये जो पैचेस हैं वाइट वाइट, ये स्नो है। अब स्नो देख लिया, अब वापस जाते हैं इसे। Just kidding, ऊपर तक जा रहे हैं। इतना प्यारा व्यू, चल रही है। हाँ अब इतना ठंडा नहीं है ना, पावर बैंक चार्ज कर रहे हो, 2 घंटे ही चल रहा है। कोई नहीं, 2 घंटे भी बहुत है। सो दिस इज द स्टॉप जहाँ पे नेटवर्क आता है, इसके बाद आपको कहीं पे नेटवर्क नहीं मिलेंगे। हम कह रहे हैं बेस कैंप पे है, बेस कैंप पे है, उधर नेटवर्क है। बीएसएनएल है ना, जियो भी है, तो बीएसएनएल जियो भी है। समिट पे जियो है, समिट पे जियो है। वीडियो कॉल होगी फिर तो सब चलेगी। कितना हो गया होगा अभी तक हमारा, बस पहुंच ही गए 10,500 फीट हो गया। कितना टाइम हो रहा है, पानी है, पानी देना है। आई थिंक 50% एंड 50% मोर टू गो, 20% और परसेंट पे बात हो रही है, 50%। तो प्यास लग रही है, बाकी अभी तक तो सब सही चल रहा है। थैंकफुली अभी तक GoPro सपोर्ट कर रहा है एंड सूरज भी अच्छा है। एंड दिस इज द एकदम मस्त पेड़ सामने बर्फ भी है, सो अभी तक सब सही है। तो मिलते हैं आगे। सो फाइनली हमको कैंप्स एंड ऑल तो दिखने लगे हैं, बाकी देखते ऊपर। ये जो छोटी है यहाँ पे बर्फ है नाम के लिए, स्कैम हो गई हमारे साथ। सीरियसली यार, इतनी होप थी इस ट्रैक से, हेलो इतनी वाट लगवाई है।
ये देखो भाई भाई हमारा झारखंड से, झारखंड से पहाड़ चढ़ने थोड़ी आया है, बर्फ देखने आया, वहाँ भी पहाड़ है, मैं वहाँ भी जा सकता था, बर्फ देखने दिया हमको। बर्फ के नाम पे वो नहीं होता जो फ्रेश फ्रेश स्नो पड़ती है, पिघलने वाली होती है, वो है एट द हेल मैन। सारी की सारी देखने आया था भाई, स्नोफॉल, सारी की सारी उम्मीदों पर पानी जो फेरा है, वो भी बर्फ फीला पानी ठंडा, पर अच्छा है, व्यूज वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट वो नहीं है ना जिसके लिए आए थे। व्यूज देखना तो मैं मनाली चला गया था, मैं चला मनाली, वहां देखूंगा जाके। चलो नेवरtheless इट वाज अ गुड ट्रैक, अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे। आई इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी पर्सन विद टू यू, सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बट ऑल थिंग अबाउट ये जो रेंज दिख रही है माउंटेन की, क्या मस्त है भैया। कौन से पहाड़ है ये वाले? हिमाचल की रेंज है। हिमाचल रेंज है, हमारे भी यहीं पे टेंट है क्या है? तो ठीक है, एंड यू नो एक कहावत है, इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट जर्नी। सो चल ऐसे ना उठा उठा के फेंको, उठा उठा के उठा उठा के तो ठीक है, अच्छा लगता है उस चीज से डिसअपॉइंटेड, बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज। सो यहाँ से ये कुछ व्यू है, एंड हाँ यू कैन सी कितना दूर तक भाई साहब कैम्प सी कैम्प हैं, एंड वहाँ पे थोड़ा सा स्नो है, बट या यू तो भाई साहब ये अल्टीमेट है ट्रैक। ट्रैक जो था सिर्फ 2 किलोमीटर का था, स्टार्टिंग 1.5 किलोमीटर वाज लाइक रियली टफ, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, बट लास्ट का 500 मीटर्स इज लाइक नॉर्मल। अभी कैंप्स वगैरह सेट हो रहे हैं हमारे, देन लंच करेंगे एंड आज का दिन हम चिल करेंगे। हाँ अभी लेते हैं, रुकिए, देन मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग दैट इज अराउंड 2, दिखा दिया दोबारा दिखा देंगे, अराउंड 2 AM इन मॉर्निंग विल स्टार्ट फॉर समिट, एंड मोस्ट प्रोबेबली सनराइज से पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, सो दैट वी कैन कैप्चर सनराइज। सो वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है कि GoPro चल पाएगा नहीं चल पाएगा, फ़ोन चलेगा नहीं चलेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिकॉर्ड करूँ एंड आई शो यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज व्लॉग, अभी दिन है तो कुछ होगा दिखाने के लिए, तो आई रिकॉर्ड दैट, अदर देन दैट तो भाई साहब विद दिस व्यू जो है यही है यही है। मतलब ये अभी इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है, सो इसको आप इनटू 100 कर लीजिए ठंड के टाइम में, मतलब जब प्रॉपर स्नो कवर्ड माउंटेन्स यहाँ पे स्नो, क्या अल्टीमेट व्यू है। बट सीरियसली हमारा सही वाला काटा है हमारे ट्रैकिंग गाइड ने, मतलब मैं उसको सोच रहा था कि बंदा ठीक है वो है, उससे मैंने पूछा मैं भाई स्नो मिलेगी, बोलता मिलेगी मिलेगी, कुछ नहीं है यार स्नो के नाम पे, काट दिया हमारा धर के, और ठीक है क्या कर सकते हैं, किस्मत, मे बी नेक्स्ट टाइम आने को मिले तब देखते। चलो आई ट्राई, यहाँ पे सामने बादल है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर ले पाता है तो टाइम लेस देखते हैं। हाँ आप करो 3 ओके, म्यूजिक सुनाई दे रहा था तुम लोगों को, म्यूजिक सुनाई दे रहा था ओके, स्पीकर्स ठीक है, म्यूजिक को साउंड ओके, मुझको क्या हुआ है, स्टार्टिंग में म्यूजिक है, तू तब से फाड़ करके ऐसे लेके आता है मुंह पे, अब खुद डर जाते, चुप रहो, चलो साइलेंट, 3 2 1
जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। So it is around 5:30 in the evening and time to end this vlog. बहुत ठंड है यार, with this beautiful view. चेक किया बाबा, हम तो बर्फ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आगे बट नहीं मिली, बट एटलीस्ट आप अपने घर में एकदम मस्त रहिए, चिल करिए, बहुत ठंड है, हाथ जो है सी लाल पड़ गए हैं. सो आपको पीछे का एक बार व्यू दिखा के देन लेट्स एंड दिस वीडियो. यहीं पे अराउंड 1:30 सुबह निकलना है, तो सो जल्दी सोते हैं, जल्दी निकलेंगे. कल समिट कड़े है, 4-5 घंटे अप एंड डाउन, मतलब 6 घंटे अप एंड डाउन, 1 घंटा वहाँ पर रुकेंगे. तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बहुत ठंड है, पीछे वाले कमरे से दिखाते हैं.